योगी जी की कुंडली मिली। तो अब मैं असली कुंडली पे आता हूं। इस कुंडली में एक जो सबसे विशेष बात है कि कभी कुंडली देखकर भविष्यवाणी करने की गलती लोग ना करेंगे, कारण कि या तो आप खुद बहुत सात्विक हो, ये एक पूर्ण सन्यासी की कुंडली है। केतु लग्न में बैठकर स्पिरिचुअल, सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल ग्रह और बिलगांव देता है केतु। केतु लग्न में बैठकर डिटैचमेंट दे रहा है, बिलगांव दे रहा है, अलगाव दे रहा है। मतलब केतु एक प्लेनेट लग्न में बैठकर इनको सन्यासी बना रहा है, और दूसरा और अंतिम योग शनि चंद्रमा साथ में है, इसके अलावा कोई योग होता भी नहीं। फिर उसको हम जाके विषांश कुंडली, चतुर्विषांश कुंडली में देखें, वहां भी करेक्ट पाई गई कि ये उन्हीं की कुंडली है। राहु बहुत बुरी तरह, शुक्र पीड़ित है, मतलब शादी नहीं हुई और शादी नहीं हो सकी। तो लेकिन एक इनकी कुंडली में आपको अजीब लगेगा, आपको खासकर अजीब लगेगा कि इनकी कुंडली में राहु दूसरे तबके के लोगों का खूब वोट लेता है। अच्छा हाँ, ये मैंने पता किया फिर गोरखपुर में, कि अभी तो ये मुख्यमंत्री हैं, इसके पहले क्या हाल था। तो वहां पे पता चला कि ज्यादा से ज्यादा जो तबका है, हाँ, हरा एम कम्युनिटी तबका, है ये। मैंने एम कम्युनिटी, सुशील जी, ये मैंने राजयोगी में लिखा है, ये अच्छा राजयोगी पुस्तक में मैंने लिखा है कि वहां के जी, जो गोरखपुर में जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो भी मठ को, इनको बहुत जबरदस्त वोट करती थी। तो ये राजयोगी में मैंने लिखा है जो आप कह रहे हैं। अरे मैं राजयोगी रखा तो हूँ, पर पढ़ा नहीं, अभी पढ़ नहीं पाया मतलब नहीं, आप मैं। ज्योतिष देखिए कैसे कनेक्ट करता है, तो आप जो कह रहे हैं बिल्कुल। हाँ जी, आगे कहिए कहिए। मेरी जी, तो दूसरी चीज, सबसे विशेष बात, एकदम मैं उसी पर जा रहा हूँ। राहु उस यंग कम्युनिटी का है और उसका वोट इन्हें मिल रहा है, और शुक्र जो वीमेन है तो हो गया महिलाओं का, और यंग कम्युनिटी की महिलाओं का इनको वोट खूब मिलेगा। यही इनकी एसेट होगी अभी, आगे और उसके भी आगे, हमेशा के लिए। रही बात अगर मैं कुंडली के राजयोगों की बात करूं, तो पहली बार नेहरू से लेके अभी तक का सबसे पोटेंशियल वाली कुंडली है ये। ऐसा नहीं कि मैं महाराज जी को पसंद करता हूं, मैं गलत होने पर माफी मांग के, मैं अगर वो समय गलत चल रहा है तो मैं लिख देता हूँ, इसका खामियाजा भी मुझे भुगतना पड़ता है। मैं बिल्कुल निरपेक्ष उससे, लेकिन इतनी राजयोग, जैसे स्थान परिवर्तन राजयोग तीन तीन इस कुंडली में है। पंचम घर इतना मजबूत है कि उनको सबसे बड़ी कुर्सी पर तो ले ही जाएगा। चलिए, आपको मैं मिठाई खिलाऊंगा अयोध्या आकर। बिल्कुल बिल्कुल, आप आइए। और मेरा तो व्यक्तिगत सिर्फ इतना मेरी लालच है कि हमारी अयोध्या बहुत जाएगी, दोबारा महाराज जी आएंगे। और मेरी इच्छा थी, मैं खुल के बता रहा हूँ, मेरी इच्छा थी कि वो यहीं से चुनाव लड़े, लेकिन उसकी आप जानते ही हैं बहुत सारे कारण किंतु हैं परंतु उसके थे। पीछे, हाँ किंतु हाँ परंतु से वो नहीं लड़े, नहीं लड़ाया गया। लेकिन जहां से भी वो लड़ रहे हैं, अच्छा दो तीन चीजें और मैं बता दूं। लग्न का स्वामी चंद्रमा शनि के साथ है। अभी मैं दो वीडियोस लगातार देखा जिसमें वो बॉर्डर फिल्म का जो देशभक्ति का गाना है वो गाना चल रहा है, वो रोने लगते हैं। एक और देशभक्ति का गाना चलता है, वो रोने लगते हैं। तो मतलब भावुकता इनको। दूसरा, ये लग्न, ये जो कर्क लग्न है, ये तीन विशेष लोगों की लग्न रही, भगवान राम की, सरदार पटेल की और इनकी। कर्क लग्न कभी सामान्य लोगों में, अगर वो पॉलिटिशियन में बढ़ गया, को बहुत आगे जाना होता है। हालांकि नेहरू जी की भी थी वो, भावुक वो भी थे, हजार कमियों के बावजूद भावुक वो भी थे, ऐसा लोग बताते हैं। तो कर्क लग्न इनका, और इनकी वेशभूषा में कभी कोई। एक और चीज मैं विशेष बताना चाहूंगा, महाराज जी की कुंडली का जो है उसके हिसाब से जितने सादगी से ये रहेंगे, केतु सादगी देता है, उतना इनको फलेगा और वो रहते भी हैं। और मोदी जी की कुंडली से जितना वो मतलब अच्छे कपड़े ब्रांडेड वगैरह पहनेंगे वो उनको सूट करेगा, कारण उनके सिंह राशि में शुक्र है। सिंह राशि और धनु, सिंह राशि को वो मतलब राजसी ठाट बाट अच्छा लगता है, तभी सूट कर रहा है, और वहां पे शुक्र है उन्हें सूट कर रहा है। इनका है बस, केतु है, चल रहा है।
जो भी पहन ले। मैं आपको इसके दो उदाहरण देता हूँ। आपने जो सादगी की बात की, तो जब मैं मठ में गया, जब बायोग्राफी लिख रहा था, मुझे दिखाया गया कि जो उनके कर्मचारी बैठते हैं वो भी महाराज जी से अच्छी कुर्सी पे बैठते हैं। हाँ। ये बेंत की साधारण कुर्सी पे बैठते हैं। और आपने भावुकता की बात की, एक बंटानिया जाति है जिसको अंग्रेजों ने वो पूरे मतलब भारत में उस जाति का कहीं कोई नाम निशानी मिटा दिया, और वो बंटानिया जाति जो है महाराज जी दीपावली उनके बच्चों के बीच मनाते हैं, और एज ए सांसद जो है उस जाति को भारत के जनगणना में स्थान दिलाने के लिए, वो जंगलों में थी कहीं, उसके लिए इन्होंने रात दिन एक कर दिया एज ए सांसद, उनके बच्चों के बीच जाके, मोदी जी सेना के भी जाते हैं तो ये सबको पता चलता है, पर बंटानिया जाति के वो बच्चे जिनके कहीं वजूद ही नहीं है बंटानिया पूरे भारत के, उसमें उसको अधिकार दिलाने के लिए, उनके बच्चों के पास, उनके पढ़ाई लिखाई के लिए, उनके उनके दिवाली के लिए, कपड़ों के लिए, और सुबह ये निकल जाते थे करीब 8, 8:30, 9 बजे महाराज जी, और शाम को मठ लौटते थे एज ए सांसद। तो उन लोगों के बीच, आम लोगों के बीच, तो वो वास्तव में बहुत भावुक हैं, और भावुक हैं ऐसा कि मतलब इसका कई बार गलत फायदा भी उठा लिया गया है, मतलब ये इस तरह का, मैंने बहुत आध्यात्मिक पुस्तक लिखी थी राजयोगी, बिल्कुल अध्यात्म पे है, आपके पास है और नहीं तो मैं भिजवाऊंगा, तो वो मैंने उनके उस सारे पहलुओं पर काम किया था, पर मुझे कुंडली नहीं पता था। आप जो कह रहे हैं वो देखिए, इंसान देखिए वो जो ग्रह नक्षत्र तय कर देते हैं वो ऊपर से, और वो साफ दिख रहा है। तो मुझे और बताइए कि महाराज जी का जो अभी आपने कहा कि राजयोग आगे बहुत है, इस उत्तर प्रदेश चुनाव में क्या उनकी राशि कह रही है? देखिए उत्तर प्रदेश चुनाव में मैं साफ साफ कह रहा हूँ, अगर कुंडली गलत हो जाए, महाराज जी की फीडिंग गलत हो जाए तो ही कोई दिक्कत होगी, नहीं तो ये चुनाव स्पष्ट है। पहली बात तो बता दूं, सबसे बड़ा आपका नक्षत्रों पर आप देख रहा हूं मैं, रामायण में काम कर रहे हैं तो आप आगे भी देखेंगे, रोहिणी नक्षत्र से बड़ा कोई नक्षत्र नहीं होता, और उच्च राशि का, उच्च के चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में है महाराज जी का, उसके साथ बैठे शनि की दशा चल रही है। शनि यहाँ पर वर्गों में बड़ा, वर्ग कुंडलियों में बड़ा अच्छा, तो ये 6 जुलाई तक अच्छी स्थिति में रहेंगे, 23 जनवरी से ये राहु की महादशा में आए हैं। शनि में शनि, शनि की महादशा है, शनि की अंतरदशा है, राहु की प्रत्यंतर दशा है, तो कुल मिला के काफी अच्छा रहेगा। लेकिन जब अप्रैल में मेष राशि पर राहु आएगा इनके दशम घर पे, तो ये प्रतापी हो जाएंगे, मुख्यमंत्री बनने के बाद वो प्रतापी हो जाएंगे, बस आप यही समझिए कि क्या होगा। तो अप्रैल महीना, मतलब मार्च में 10 मार्च को रिजल्ट निकलेगा, और ज्योतिषाचार्य सुशील जी कह रहे हैं कि अप्रैल में ये प्रतापी हो जाएंगे। प्रतापी शब्द बड़े कम राजाओं के लिए उपयोग में आया है, तो प्रतापी तो प्रबल प्रतापी जो है और वो दिख रहा है। और ये बताइए कि कई लोग कह रहे हैं कि मतलब भवन में फंसा हुआ होगा, यहाँ विधानसभा का रिजल्ट जो है त्रिशंकु हो जाएगा, मायावती जी जो है उस भूमिका में होंगी, आपको ये स्पष्ट मेजोरिटी दिख रही है? देखिए मैं जिस तरह से कुंडलियों पे काम करता हूँ, मैंने अब की बार थोड़ा सा डिफरेंट किया, मैं सिर्फ योगी जी और अखिलेश जी की कुंडली पर काम करता हूँ, काम किया, और किसी और का कोई और अचानक आ जाए, कुछ हो जाए तो बात अलग है, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन अगर सिर्फ एक तरफ योगी हैं, एक तरफ अखिलेश जी हैं, तो योगी जी विनर हैं, है ना, और कोई भंवर हुआ नहीं, अच्छी तरह से मतलब वो बनते दिख रहे हैं, क्योंकि वो राजयोग कहाँ जाएंगे, जो राजयोग उनको जुलाई 22 के बाद भी दिखा रहा है, नवंबर 22 के बाद और बड़ा हो जा रहा है, राजयोग बहुत विशाल हो जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो बनते दिख रहे हैं। मतलब अप्रैल जुलाई दिसंबर तो मुख्यमंत्री बन के ही राजयोग बढ़ेगा जी। और मैं आपको बताऊं, इसके पहले आपसे एक ही बार इंडिया स्पीक्स पे मैं आया हूँ, जब बवाल चल रहा था, जब केंद्र और उत्तर प्रदेश का बवाल चल रहा था, तो मैंने ये कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, महाराज जी ऊपर उठ के आएंगे, नंबर एक बात। नंबर दो, मैंने ये भी कहा था कि कोरोना दोबारा नहीं आएगा। दूसरा एक चीज मैं कहूंगा, अभी तो बड़े शांत हैं, लेकिन जिनका सूर्य
छठे घर में होता है वो आदमी अथॉरिटेटिव हो जाते हैं कुछ ना कुछ, जैसे वो अपने ऊपर कौन है इस पर थोड़ा कम ध्यान देते हैं, ये इनकी कुंडली में है। मतलब समझा नहीं। सूर्य छठे में होना, जैसे मान लीजिए कोई आदमी क्लर्क है तो जो ऑफिस का हेड है मतलब ऑफिस सुपरिंटेंडेंट है उसके पास कोई फाइल ले जानी हुई तो वो आदमी हो सकता है जो फाइल पटक दे या किसी से भिजवा दे और जो मन में आए वो लिख दे, बस वही समझ गया, इतना काफी है। तो, समझ गया। उसके बाद प्रतापी भी हो जाएंगे, मैंने ये भी कहा। तो कुंडली पावरफुल है, शनि और केतु जो एक एक जो योगी में होना चाहिए वो है, और सबसे बड़ी बात शनि की दशा चल रही है। लेकिन एक चीज मैं दर्शकों को जरूर बताना चाहूंगा कि इनके साथ, ताकि कोई चीज छुपी न रहे कि मैंने ये चीज नहीं बताई थी, इनके साथ साजिश और षड्यंत्र अपनों से और बाहरियों से हमेशा रहेगा, इससे बचे नहीं रहेंगे। अचानक तो लगेगा ये क्या हो गया, योद्धा वही है जो इन षड्यंत्रों को तोड़ के बाहर निकले, ये भी एक एक मुझे लगता है परीक्षा ही होती है। जी जी जी। एक चीज और है, मोदी जी की कुंडली में है ये बात, मैंने पढ़ी है कई जगह कि मोदी जी के साथ कुंडली में है कि जितना उनपे हमला किया जाए, लोग जितना हमला करेंगे वो उतना बाउंस बैक करते हैं, मतलब जितना ज्यादा उनपे हमला किया जाएगा उतना उनकी ऊंचाई बढ़ती है। योगी में कैसा है ये? नहीं नहीं वो तो मतलब ये है कि इनको सामने से हमला किया ही नहीं जा सकता, उनका तो शत्रुघ्नता योग है। हाँ। इनका है कि हमला आप कर ही नहीं सकते। मैंने छठे सूर्य की जो मैं देखा हूँ, इस पर बहुत कम चर्चा है, छठे सूर्य वाला व्यक्ति जिसका छठे घर में सूर्य है, ऐसा व्यक्ति अजेय होता है, और मतलब उस पर, और वो भी धनु राशि और सिंह राशि दो राशियां ऐसी हैं जो जिनको कहा जाता है राजपत्रित राशि। तो सूर्य राजपत्रित राशि में, जिसको पराशर जी ने बोला राज्य चिन्हों वाली राशि उन्होंने बोला है, तो सूर्य वहां पर बैठकर इन पर हमला तो मतलब हो ही नहीं सकता, लेकिन हाँ षड्यंत्र जरूर रहेंगे। अब मैं आपको देखिए, आपने कहा और आपने ज्योतिष के हिसाब से कहा, और मैं अब पत्रकार के हिसाब से इसको कह रहा हूँ कि मोदी जी के राजकाल में गुजरात में 7 इनकाउंटर हुए जो फेमस है, तो उनके योग में है कि शत्रु जितना हमला करेगा उतना वो ऊपर उठेंगे, हमला उनको उनके उनके ऊपर उठने की प्रक्रिया ही है स्प्रिंग की, शत्रु जितना हमला करेगा। तो 7 इनकाउंटर में आपको ध्यान होगा, सोरा बुद्दीन था, इसरत जहां था, तो जितना उनपे हमला हुआ वो उठते उठते प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचे। यहाँ ये 1600-1800 इनकाउंटर किए, कोई हमला कर नहीं पाया उनपे हमला। सही। नीरज श्रीवास्तव जी बड़ी अच्छी बात पूछ रहे हैं, ये दुविधा बहुतों का है कि योगी जी के जन्म की तिथि से माना जाएगा या संन्यास ग्रहण से योगी एक सन्यासी का जन्म माना जाता है, तो दो जन्म हो जाते हैं, तो किस जन्म को आप ले रहे हैं? देखिए ज्योतिष का बिल्कुल स्पष्ट है कि जो शरीर शरीर धरती पर गिरता है बिल्कुल वही समय ज्योतिष में हम वही समय लेंगे और कोई समय नहीं। और एक चीज और भी, जब हम जन्म समय लेते हैं तो उसमें कौन सही है कौन गलत, इसके लिए ज्योतिषी को 5-10 मिनट मतलब 2-3 मिनट का अंतर करना पड़ेगा उसको सही करने के लिए, घंटों लगाने पड़े। जैसे आप ही कुंडली में मैंने कुछ सेकंड इधर उधर किए थे अपनी तरफ से। जी वो जरूरी है, वो तो मेहनत के ऊपर है, मेहनत है और सही बात है, क्योंकि एक तो परमात्मा ने भी पृथ्वी पर उनको जन्म दिया है, तो संन्यास का वो गुरु की परंपरा से एक नया जन्म है, और ज्योतिष के लिए वो है जो प्लैनेट जो है दिखाया जो जिससे पृथ्वी पर आए हैं। तो सुशील जी जो कह रहे हैं तो ज्योतिष ज्योतिष के हिसाब से करें, ज्योतिष जो लेता है। एलके इंटेलिजेंस पूछ रहे हैं कि हमारा भारत हिंदू राष्ट्र कब बनेगा, कब बनेगा? ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, इससे ज्यादा मैं नहीं कहूंगा बताऊंगा, तो अगर वो इतना आसान नहीं होगा, उसके लिए बहुत लंबी लड़ाई है और शायद महाराज जी ही लड़ेंगे। ये एलके इंटेलिजेंस कह रहे हैं, सुशील जी देश को 50 वर्ष के गुरु परंपरा वाला पीएम कब मिलेगा, ये आज के राहु के तो उनको रोक दे तो नहीं देंगे, यानी पहली बार गुरु शिष्य परंपरा का एक व्यक्ति मुख्यमंत्री है, वो पीएम कब बनेगा, कोई राहु के तो रोक तो नहीं देंगे? नहीं कोई नहीं रोक पाएगा, आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मैं टाइम तो नहीं बताऊंगा पर 3-4 साल या 4-5 साल के भीतर
तीन चार साल के भीतर, सही बात है। और शक्तिमान देखिए कह रहे हैं कि योगी जी के इस सबसे बड़े पद पर आएंगे सर, मैं खुशी से पागल हो रहा हूँ, योगी जी के लिए जान तक दे सकता हूँ, अपनी आंसू निकाल रहे हैं खुशी के। जान मत दीजिए, क्योंकि आप सपोर्ट करेंगे तभी योगी बनेंगे प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल बिल्कुल, आपका सपोर्ट चाहिए, जनता का सपोर्ट चाहिए, जान दे देंगे तो एक कम हो जाएंगे हम। किसी ने राशि, किसी ने दशा पूछी है तो मैं दशा बता रहा हूँ। योगी जी शनि में राहु की दशा में है 23 जनवरी 2022 से। कुछ लोगों को समय चाहिए तो मैं दे दूं, योगी जी की डेट ऑफ बर्थ 29 दिसंबर 1971 शाम के 7:47:30 पौड़ी। मैं रिपीट कर रहा हूं, 29 दिसंबर 1971 29th of December 1971 7:47:30 PM पौड़ी शोध करना हो वो कर सकते हैं। और कैसे उनका जन्म हुआ, उस समय कितनी विकट परिस्थिति से माता पिता गुजर रहे थे, ये मैंने राजयोगी में लिखा है। वो भी लोगों को पढ़ने को मिलेगा। किसी ने पूछा है युद्ध के बारे में, तो युद्ध शायद पाकिस्तान से ना होके किसी और से हो, और युद्ध का नेतृत्व महाराज जी ही करेंगे। महाराज कोई शक सुबह नहीं होनी चाहिए, महाराज जी ही करेंगे। और दूसरी बात, जिस देश से खतरा है वो उत्तराखंड में उनका उनकी सीमा भी लगती थी, तो महाराज जी जो है वो उस देश को अच्छे से समझते भी हैं, तो समझना चाहिए लोगों को। अमित मिश्रा जी कह रहे हैं वंदन आपको, संभव हो तो एक प्रश्न ले लें, उत्तर प्रदेश भारत का नेतृत्व कब करेगा? सब बेचैन है, सब सपटा रहे हैं कि कब करेगा। मैं बता चुका हूं, मैंने अभी उत्तर प्रदेश से ना जोड़े क्योंकि वो गुजरात से हैं, उत्तर प्रदेश कब करेगा वो कह रहे हैं। बिल्कुल, मैं बता रहा हूं कि 5 साल के भीतर कभी भी, और वैसे भी अप्रैल मई से प्रतापी हो जाएंगे महाराज जी। हाँ। समझिए इस बात को अप्रैल मई के बाद उनकी कुंडली। रश्मि कह रहे हैं योगी जी पीएम बनने के बाद कहीं सेकुलर तो नहीं बन जाएंगे, ये खतरे लोगों ने अभी देखे तो उनको दुख हो रहा है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। पहली बात तो मैं बता दूं, जिस दिन चुनाव परिणाम आएगा, मैं एक चीज उस वक्त बताना भूल गया था, उस दिन बुध बृहस्पति एक साथ है सूर्य के साथ, सूर्य राजा होता है, मतलब एक सिंपल ज्योतिष अगर आप लगाइए नाड़ी पद्धति में, सूर्य राजा होता है, बृहस्पति सन्यासी होता है, सन्यासी ही राजा होगा। एक सिंपल जब नाड़ियां सिद्ध होने लगती है तो आदमी इसी तरह बताने लगता है। हाँ सही बात है, बिल्कुल सही बात है। करल में जिस तरह का है, और उस दिन की जो दशा है, तो चूंकि आप बता रहे हैं कि इतना दिन बाद ये अंतर आ रहा है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो जीतेंगे, और ना हारने कह रहा हूँ, मतलब हार भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं लिखा, मतलब संकट है, जैसे भी हो जीते हारे वो घिसने वाली संकट रहेगा। जी संकट रहेगा, ये राजनीति नाम से हैं। ये कह रहे हैं कि भारत की कुंडली में ऐसा क्या दोष है कि इतना महान देश आज भी बहुत से देशों से पीछे है, गद्दार भरे हैं, राम नाम है और काम रावण के करते हैं, कब बुरा समय खत्म होगा भारत का? देखिए, मैं ये बुरा समय इतनी जल्दी नहीं खत्म होगा राजनीति जी, और पहली बात तो ये जान लीजिए कि भारत के लगन में राहु बैठा हुआ है, राहु यम का प्रतिनिधित्व करता है, हमको अभी और लड़ना पड़ेगा। राहु यम का प्रतिनिधित्व करता है और लड़ना पड़ेगा, और उसी लड़ाई में इस लंबे अंतराल में हम लोग रहेंगे, तब तक जिंदा हम विजयी होके हम वो पूरी सीमा पाएंगे, ईश्वर ने चाहा तो वो पूरी सीमा, जैसे इधर मंदिर बनना शुरू होगा उधर, मतलब ये कोई मैं प्रवचन नहीं दे रहा हूं, ऐसा ग्रह बता रहे हैं कि हम अपना क्षेत्र विस्तार तक करेंगे, इस तरह का अग्रेशन होगा भारत का, क्षेत्र विस्तार तक करेंगे। तो समझ में आ गया आप लोगों को, ज्योतिष में कई बार संकेत में कहे जाते हैं तो वो बड़ा महत्वपूर्ण होते हैं, मजबूरियां हैं सही बात है, क्योंकि ज्योतिष आगे भविष्य है और वर्तमान कई बार नहीं समझ पाता भविष्य को, तो उनको संकेतों में बात करनी पड़ती है। और ये ओम प्रकाश सिंह जी कह रहे हैं, ये एग्जैक्ट गणना तो कैसे कि ज्योतिष गणना से योगी बाबा कितने सीट ला रहे हैं? नहीं, ओम प्रकाश जी से मैं कहना चाहूंगा कि अगर कोई भी ज्योतिषी सीट बता रहा है तो वो धोखा कर रहा है, सीट नहीं बताई जा सकती। इतना बताया जा सकता है कि सम्मानजनक अच्छी बड़ी जीत
ये सब बताया जा सकता है। सीट कैसे बताते हैं, और सीट बताते हैं दिल्ली की सर्किल में बहुत बड़े बड़े लोग हैं, नाम लेना क्या उचित है, तो सीट भी नहीं बताई जाती, बस अच्छा होगा। सुनीता नारायण जी हैं, बहुत गंभीर दर्शक हैं, कह रहे हैं ओ संदीप जी क्या बहुत आज इतनी खुशी दी महाराज जी, पीएम जल्दी बनेंगे, आज नींद नहीं आएगी। मतलब देखिए लोगों की, आप समझ रहे हैं वो, तो ये बात आज ये तय हो गया कि चुनाव यूपी का जनता लड़ रही है, कोई नहीं, जनता लड़ रही, जनता लड़ रही है, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ।